₹500 का, 5200 रुपए के, 2500 रुपए का फोन है सिर्फ, मात्र 4850 रुपए का, P2 में कंडीशन 4200 रुपए का, 3200 रुपए का, 3200 रुपए का, P4 के अंदर निकला 4850 रुपए का, 10000 रुपए का, 3200 रुपए का, P4 में 11300 रुपए का, 11300 रुपए का। आपको पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, आपको बोर्ड दिख रहा होगा, जी हाँ, क्या मोबाइल जोन करोल बाग में फिर से आ चुके हैं आप लोगों के लिए। VRP चाहिए, देखो भी कितना अच्छे तरीके से स्टॉक लगा के रखा है। अभी भी मेरे सामने सारा जो माल उतरा है, कुछ पहले था कुछ अभी भी उतरा है, नया जो स्लैब आ चुका है, नई नई VRP आ चुकी है। किसी भाई को P2P चाहिए, VRP चाहिए, बॉक्स टू बॉक्स चाहिए, या फिर iPhone चाहिए, सारा P4 चाहिए, हर तरीके से डील आपको मिल जाएगी। कुछ नहीं करना, वीडियो में बने रहो, लास्ट तक देखना, या फिर वीडियो को शेयर कर लो, सेव कर लो, या अपने किसी भाई लोगों को सेव कर दो। आराम से जब फ्री हो आराम से वीडियो को पूरा देखना, वीडियो के अंदर जो चीज़ इन्फॉर्मेशन है बहुत ही खतरनाक मिलने वाली है। अभी तक की सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज होने वाली है। आपको स्लैब के बारे में समझाऊंगा, माल बताऊंगा, और भैया ने सीधा बोल दिया भाई हमसे चिकचिकबाजी नहीं हो रही है, ईमानदारी से माल बेचेंगे, किसी भाई को चाहिए आओ लेके जाओ, मिलवाते हैं भैया से, जानते हैं कि आज भैया आपको क्या कुछ डील देने वाले हैं। बाग में आया मोबाइल जोन पे, इस तरह से बोर्ड आपको नंबर सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एड्रेस में यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला एड्रेस होने वाला है। कुछ नहीं करना, आ जाओ यार, जो सा माल चाहिए मिल जाएगा। क्या हाल भैया आपके? देखो भैया हमारे ऐसे बैठे हैं, देखो ये आईफोन, क्या डील कर रहे थे किसी के साथ? हाँ करी ना, भी डील करके भेजा तो बंदे को। अच्छा ये चार आईफोन, ये चार बचे हैं, बाकी सारे निकाल दिए, सारे बेच दिए अभी। क्या बात है। अच्छा भैया जैसे अभी मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है, कुछ लोगों को सारा आईफोन चाहिए, कुछ लोगों को सारा P4 चाहिए, कुछ लोगों को QC में चाहिए, तो कुछ लोग P2P में डील कर रहे हैं, VRP बॉक्स टू बॉक्स भी चल रहा है, मतलब दुकानदार जो थोड़ा सा कन्फ्यूज सा हो रहा है, P4 का पता ही नहीं है क्या है, ओरिजिनल डिस्प्ले मांगने लग जाता है P4 में, बाद में फिर मेरे को भी बुरा थोड़ा सा माना जाता है, और आप जैसे भाई तो बदनाम हो ही रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना आज वीडियो के अंदर। रवि भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहली बार तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए, आपने टाइम दिया हमारे को जी, ठीक है। दूसरी बात मैं ये चाहता हूँ कि ग्राहक आता है परेशान होता है, दूर से आता है, उसे ये नहीं पता P1 क्या है, P2 क्या है, P3 क्या है, P4 क्या है, वो सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, आज डिटेल में बात करते हैं, डिटेल में सारी बातें बताऊंगा इसके बारे में मैं आपको। बाकी माल आपको जैसे चाहिए, आईफोन चाहिए, P4 चाहिए 100%, P1 P2 चाहिए, P3 चाहिए, जैसे चाहिए वैसे मिल जाएगा, हर तरीके से QC चाहिए QC मिलेगा, जैसा मन करे वैसे मिलेगा हमारा आपको। बात है, एक बार विजिट जरूर करना, बस एक बार आप आओ मोबाइल जोन पे, आके चाय वाय पियो, ठंडा वंडा पियो, आपके अपनी दुकान है, अपनी शॉप है, आपकी अपना हब है आपका, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, 1% भी। तो भैया जैसे अगर बात करते हैं VRP की, सबसे पहले VRP बता दो, ऊपर से नीचे तक आएंगे, VRP का क्या सीन होता है, VRP में कितने पीस आते हैं? VRP बोलते हैं लॉट को, पूरी लॉट, जिसमें मान लो 100 पीस भी होते हैं, 80 भी होते हैं, 80 से 100 के बीच में लगभग, हाँ, लगभग इतना आता, लगभग इतना आता उसको है, उसको बोलते हैं VRP बोलते हैं, वो जो है थोड़ा सा सस्ते इसमें पड़ जाते हैं, अगर पूरा लोड लेते हैं एवरेज सस्ता पड़ जाता है, एवरेज आपको सस्ता पड़ जाता है, उसमें छोटे बड़े फोन आपको सारे लेने पड़ते हैं, एक भी फोन उसमें से हटा नहीं सकते, उसे VRP बोलते हैं, उसे VRP बोल देते हैं। अच्छा उसके बाद आता है B2B, बॉक्स टू बॉक्स, बॉक्स टू बॉक्स बोलते हैं पूरी पेटी को, पूरे बॉक्स को, जो एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स, चाहे उसके अंदर 20 पीस हो, 30 हो, 50 हो, 100 कितने भी हो, उसे बोलते हैं बॉक्स टू बॉक्स। अच्छा उसमें भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, वो भी पूरा लेना पड़ता है, पूरा लेना पड़ता है, जैसे हम जो वीडियो में खोलते हैं पूरा बॉक्स खोलते हैं, जो रेट बताते हैं पूरे बॉक्स के अंदर जो निकलते हैं वो बताते हैं। अब आप देखते हो कि सिंगल पीस के रेट बताए इन्होंने 3200 रुपए सिंगल पीस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, पूरा बॉक्स का रेट होता है, ऐसे बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो ये अच्छा इसके बाद जो अगली वाली कैटेगरी, अगली वाली कैटेगरी जो होती है P2P बोलते हैं, पीस टू पीस को, पीस टू पीस पैकेट के अंदर, पैकेट टू पैकेट जो पैक जो होता है, एज इट इज आपने मॉडल पसंद करा, वो P1 निकले, P2 निकले, P3 निकले, वो आपका। ये क्या है P1, P2, P3? ये कैटेगरी है, ये आपको लास्ट में बताऊंगा मैं आपको सारी, ये डिटेल में बात, सारी आपको डिटेल में सारी बताऊंगा मैं, ठीक है, मतलब अगर किसी को भी चाहिए तो P1, P2, P3, P4 क्या ये भी बता देंगे। बाकी जो P2P होता है पैकेट टू पैकेट, इसमें ओपन भी कर सकते हैं या नहीं? ओपन नहीं कर सकते पैकेट टू पैकेट में, पैकेट टू पैकेट कहीं पर भी ओपन नहीं, कहीं भी ओपन नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा आपको, उसे बोलते हैं P2P, पैकेट टू पैकेट, पैकेट टू पैकेट। उसमें क्या जैसा भी ये खुला है, ये पैकेट टू पैकेट नहीं है भाई, नहीं ये तो QC हो गया, अगर ये पैकेट के अंदर बंद होता है, ये टेप लगी होती, जब तक ये टेप नहीं हटेगी तब तक ये P2P पैकेट है, माल वही है लेकिन वो पैकेट टू पैकेट वाला और QC में ये इतना फर्क होता है। अच्छा भाई अगर कोई P4 लेना चाहे तो P4 का क्या है? P4 पूरा मिलेगा 100%। अच्छा P1 से स्टार्टिंग, P4 को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पहले P1 से स्टार्टिंग, P1 का स्टॉक कैसा होता है? देखो P1 और P2 जो है वो 100% ओके होता है, 100% बिल्कुल ओके होता है, अगर P1 P2 में कोई शिकायत निकलती है उसका जिम्मेदार हम है, ये लो जी, ठीक है जी, हम मैनिपुलेशन नहीं करते, जैसा माल आया वैसा दे दे, ये नहीं कि P4 को P1 बना दिए, वो काम अपने पास नहीं है। कुछ तो कुछ पीसेस ऐसे निकल जाते हैं जो अंडर वारंटी होते हैं, कुछ सभी हाँ ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन ओके निकलते हैं, लेकिन सारे हल्के फुल्के स्क्रैच हो सकते हैं, वो बातें समझ में आती है, लेकिन अंदर माल भी कोई ओके होगा, टूटा हुआ नहीं होगा, ब्रोकन नहीं होगा, उसमें कोई चार्जिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ओके पीस होगा। अब इसके जो प्राइस है, इसके जो प्राइस है बाकी ग्रेड से कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं P4 से, जस्ट मान के चलो आप 50% ऊपर होते हैं।
अच्छा P4 से 50% ऊपर होते हैं, 50% करीब करीब ऊपर होते हैं, मतलब होते कि हैं। उसमें आपको प्राइस थोड़े से ज्यादा देखने को ज्यादा देखने को मिलेंगे। हाँ। अब होता है क्या जी, P3 क्या चीज होती है लोग पूछते हैं जी। P3 क्या होता है, P3 में आपने 100 फोन खरीदे जी, तो उसमें से आप कम से कम 10-12% फोन कॉपी फोल्डर टूटा हुआ ब्रोकन निकल जाता है, ओके, उसे बोलते हैं P3। और मतलब 10% निकलता है, 10% 10-12% निकल जाता है। अब P4 क्या होता है, P4 होता है 50% के अंदर 10-12% ब्रोकन निकलता है, बाकी 30-35% कॉपी होल्डर निकलता है, निकलता ही निकलता है, कहीं से भी खरीद लो आप, कहीं से भी ले लो, कहीं से भी आप खरीद लो, जो भी आदमी आपको खोल के दिखाएगा उसके अपने रेट होंगे, वो फ्लिपकार्ट के रेट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते, ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जो अपने रेट बता के देते हैं उनके अपने रेट होते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट के रेट में आपको एजीटीस लेना पड़ता है, और फ्लिपकार्ट तो खुद भी बोलता है ना P4 को कितने परसेंट ब्रोकन के, P4 डैमेज कैटेगरी बोलता है, डी मतलब 15% ब्रोकन बोलता है, बाकी 35% के अंदर कॉपी फोल्डर आता है, खुद एक मेल में लिखा होता है फ्लिपकार्ट की मेल में, ये लोग सीधा बताते हैं कि ABCD मतलब 4 P4 पैकेट 4 डी मतलब डैमेज कैटेगरी, वो सीधा कह के बेचता है। अब दुकानदार क्या P4 में P1 वाले फोन को दिखा के बताते हैं ये P4 में, वो वाला बहुत चल रहा है मार्केट में, वो तो बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जैसा होगा वैसा आपको मिलेगा, जो P1 में होगा P1 में मिलेगा, जो P4 में P4 में मिलेगा, जो जैसे ग्रेड में वैसा ग्रेड वैसा मिलेगा ग्रेड के अंदर आप। अच्छा, कम से कम कितने पीस यहाँ पे हम ले सकते हैं, कम से कम आप अगर आप आके लेते हो तो 5 पीस भिजवा देते हैं, कोई दिक्कत ऑनलाइन भी, ऑनलाइन भी 5 पीस दे देंगे आपको अगर स्टोर, लेकिन बिना वजह परेशान ना करे कोई भी एक पीस के लिए। दूसरा, जो भी डिलीवरी है वो प्रीपेड है, पहले पैसे देने पड़ेंगे, कोरियर चार्ज देना पड़ेगा, कस्टमर ये बात बार बार पूछता, कृपया करके ये बात ना पूछा करें। हाँ। ये है प्रीपेड डिलीवरी, प्रीपेड क्योंकि ना आगे से उधार आता ना हम उधार देते, ना देते, सीधी सी बात ये है, बिल्कुल डन एकदम। अच्छा, ये सारी चीजें अब अगर हम थोड़ा सा तो थोड़ा सा झलक और दिखा दो कि हमारे पास स्टॉक कैसा है, क्या स्टॉक आपने बाहर दिखाया, बहुत सारा स्टॉक है तो हाँ, पूरा पैकेट, अब आपको एक पेटी दिखाएंगे पूरी खोल के, हाँ, उसके अंदर ग्रेड के हिसाब से प्राइस भी बता देंगे, प्राइस ही बताएंगे, प्राइस भी बताएंगे, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा भाई इस ग्रेड में ये माल मिलता है, और सीधी सी बात है भाई जो बता रहे हैं वीडियो में वही आपको मिलेगा, तो आके विजिट करके लेके जाए, ऑनलाइन मंगा आपकी मर्जी, बाकी मैं पेटी उठा लेता हूँ एक भाई, पेटी आप लोगों के सामने रख दिया भाई लोगों मैंने, ठीक है, इसको खोल के इसको देख लेते भाई, इसको ओपन कर दो आप, इसके अंदर जैसे ग्रेड में जैसा फोन निकला वो एजीटीस आपको दिखाएंगे कि भाई इस ग्रेड में ये फोन जो ऐसा निकल के आया, ताकि आपको ना अंदाजा लग जाए कि हाँ भाई इस ग्रेड में ऐसा ऐसा जो माल है वो निकल के आ रहा है। और एक चीज़ और बता दो मेरे भाइयों, ये जितने भी फोन है सब P2P वाले, QC वाले नहीं, गारंटी वारंटी नहीं आती, P1 P2 देखो, इससे बढ़िया क्या माल लोगे मेरे भाई आप, इससे बढ़िया और मैं क्या दूं आपको, बताओ इससे सस्ता और इससे बढ़िया क्या दूं आप, सस्ता कैसे वो देख लो आप, क्या क्या बॉक्स वाले दिखाएंगे, बिना बॉक्स वाले 5G दिखाएं पहले तो यार रवि भाई, 11 Pro कौन सा है, एक्स, ये 11 Pro X14 जो आपका मन करता है वो आप बेचो, वो आपकी मार्केट के हिसाब से बेच सकते हो, ठीक है। अब ये नॉर्मली 10% प्रॉफिट आप रख के ही बेचो, ये भी 5G है भाई, कौन सा नहीं 5G 4G है, तो 4G है ये, सैमसंग का F62 है ये, क्या रेट है, मात्र सिर्फ 5200 रुपए का, 5200 रुपए के 5200 रुपए का आपको मिल जाएगा, 52 कंडीशन देखो, रहे बिल्कुल ओरिजिनल फोल्डर देखो, बेंचेस कंडीशन देखो, बिल्कुल ओरिजिनल फोल्डर के साथ आपके निकल के आ रहा है 5200 रुपए का, ठीक है। उसके बाद और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये कौन सा मॉडल है, ये मोटोरोला E-Power, मोटो ई पावर देख लो, ये 2500 रुपए का फोन है, सिर्फ 2500 रुपए में आपको ये मिल जाएगा, मोटो ई पावर बिल्कुल ओरिजिनल फोल्डर में देखो रवि भाई, बहुत बढ़िया, मोटो ई पावर 2500 रुपए आपको दे देंगे। और दिखा देते हैं आपको, लो जी मात्र 4850 रुपए का, P2 में कंडीशन दिखाओ, P2 के अंदर ये देख लो जी 4850 रुपए का कंडीशन आप देख रहे हो, वो जी फोल्डर के साथ, लो जी P4, लो जी P4 में क्या 4200 रुपए का, 4200 रुपए का P4 के अंदर ये देख लो जी, बहुत बढ़िया 4200 रुपए 4200 रुपए में P4 में आपको दे देंगे। इसके बाद और देखेंगे और दिखा देते हैं आपको, और दिखाओ भाई, लो जी टूटा हुआ निकला जी, कोई शर्म वाली बात, कोई शंको वाली बात नहीं है, फोल्डर फोल्डर से थोड़ा सा टूटा हुआ है, देखो आगे सब गिलास, अभी P4 में आया है, गिलास गिलास ब्रोकन, मात्र P4 में आया 3200 रुपए का, 3200 रुपए का P4 आया है, क्योंकि ब्रोकन है इसलिए, अगर ठीक होता तो ये 5200-5500-6000 तक आराम से जाता है, आराम से जाता है ये इतना, तो ये देख लो जी ब्रोकर भी निकलता है, जैसा भैया ने बताया था साथ साथ दिखा भी रहे हैं आपको, जैसा माल निकल रहा है वैसा दिखा रहे हैं आपको, ऐसा उसमें कोई वो नहीं है। लो जी ये कौन सा है, ये जी अपना Y22 वीवो का वाई बाईस दिखा देंगे आपको, मात्र P4 के अंदर निकला 4850 रुपए का, 4850 रुपए का, 5G फोन होता है, 5G फोन 4850, क्या बात है भाई, Y22 आपको 5G मिल जाएगा 4850 रुपए। लो जी नथिंग, लो जी नथिंग ले लो जी, नथिंग देख लो क्या नथिंग, लो जी P4 के अंदर, लो जी आप 10000 रुपए का, 10000 रुपए का नथिंग, खाली हल्का सा देखो ये स्क्रैच है, बाकी बिल्कुल ओके फोन है, देखो बिल्कुल ओके, ये लो जी नथिंग 10000 रुपए में आपको ये दे देंगे, बहुत बढ़िया एक नंबर भैया, जबरदस्त। इसके बाद और नेक्स्ट हमारे पास होने वाला है, लो जी देखो
ये कौन सा है? Narzo 50i। Narzo 50i क्या रेट देंगे? मात्र 3200 रुपये का P4 में। मात्र 3200 रुपये का P4 में, ये देखो जी 3200 रुपये का आपको मिल जाएगा P4 कैटेगरी के अंदर। देखो P4 P3 सब निकल के आ रहा है, जो जो निकल के आ रहा है साथ साथ आपको। Redmi Note टूटा हुआ, हल्का तो स्क्रैच है, टूटा हुआ नहीं है जी। क्या रेट देंगे? मात्र P4 में निकला है जी आपका ये 4800 रुपये का। 4800 रुपये का P4 में ही दे देंगे। 4800 रुपये में क्या चाहिए बताओ आपको? अब रवि भाई इस बॉक्स की जो एवरेज आती है ना जी, वो ऐसी आती है 4000 रुपये 4500 रुपये के बीच में। हाँ, एवरेज आती है, जितना निकल आता है जितना निकल आता है। अब देखो जैसे अब जैसे ये निकला है रेडमी का 10, सिर्फ मात्र 3200 रुपये का निकला है। बताओ 3200 रुपये का ओरिजिनल फोल्डर है, बताओ अब क्या लोगे बताओ मुझे आप। मेन चीज तो ये भी आपका एवरेज अच्छा खासा बन के आता है, दुकानदार 10-15 पीस भी रखते हैं तो आपका एक नॉर्मल एवरेज में अच्छा प्रॉफिट आपको जो है जनरेट करने को मिल जाएगा। P4 में निकला रवि भाई देखो, ये देखो जी P4 के अंदर है, ठीक है। स्क्रेचेस क्या है? निशान है, कवर के बस थोड़े ये है, बाकी कुछ भी नहीं है, एकदम ओके ठीक है। ये मिल जाएगा, क्या रेट है इसका? मात्र 4200 रुपये। 4200 रुपये में आपको ये दे देंगे, देखो 4200 रुपये 4200 रुपये का ये निकल के आया। F21 Pro आपको मिल जाएगा, सैमसंग का F21 Pro है जो उसका है, क्या नाम है, ओप्पो वाले का F21 Pro आपको मिल जाएगा। F सीरीज में आती है, ठीक है। ये आपको दिखा देते हैं हम, ये देखो जी, ये लो जी F21 Pro 5G मॉडल होता है ये F21 Pro। क्या रेट निकल गया भैया? ये स्कैन नहीं हो रहा, दिखाओ यार। लो जी 6800 रुपये का निकल गया है, 6800 रुपये का आपके ये निकल गया है। 6800 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, बहुत बढ़िया सर। इसके बाद नेक्स्ट वो दिखा देते हैं आपको, और कौन सा होने वाला है ये दिखाते हैं इनको। ये क्या नाम है अपना, GT मास्टर एडिशन मिल जाएगा रियलमी का। ये देखो जी गेमिंग फोन है ये आपको, GT Neo 3D मिल जाएगा, 5G मॉडल होता है ये भी। ये सिर्फ मात्र 10000 रुपये का है जी P3 में। 10000 रुपये का P3 के अंदर मिल जाएगा 5G मॉडल, गेमिंग फोन होता है ये रियलमी के। Realme 9 देखो जी, 9 5G फोन, Realme 9 5G फोन। हाँ ये देखो जी, इस पे लिखा हुआ जी 628 है, ये 628 5G है, Realme 9 है। कंडीशन देखो, कोई भी कुछ भी नहीं, सबको ओके कंडीशन है। देखो आप 5G फोन, क्या रेट निकला भाई इसका? रेट भी तो बताना जरूरी है, क्या रेट निकल गया है? मात्र निकल के आया है इसका 5500 रुपये। मात्र 5500 रुपये 5G फोन, 5500 रुपये का 5G फोन, एक नंबर भैया, एक नंबर। ये देख लो जी, इससे बढ़िया तो और आपको क्या डील मिलेगी? लो जी नोट सी देखो जी आप, नोट सी। हाँ जी, किसी को वन प्लस 7700 रुपये का P4 में, 7700 रुपये का ओरिजिनल फोल्डर है नोट सी। एक और क्या चाहिए आपको बताओ? इससे सस्ता, इससे अच्छा तो मैं क्या ला के दूँ आपको, मुझे बताओ। इससे सस्ता मैं डील ला ही नहीं सकता। ये कौन सा जो अच्छा मॉडल है? 9R है जी, हल्का सा टूटा बैक पैनल टूटा हुआ है, P4 में निकला है, 11500 रुपये का है जी। 11500 रुपये का पैनल में स्क्रेचेस है बस, बाकी फोन एकदम ओके। 9R को मिल जाएगा। रेडमी का Note 12 Pro 5G, रेडमी का Note 12 Pro 5G ओके। क्या रेट है 12 Pro 5G? ये निकला है जी मात्र 9000 रुपये का, मात्र 9000 रुपये का। हाँ ये देख लो जी, मात्र 9000 रुपये का। तो भैया ये जो जितना भी रेट है, अगर इसमें हम 5-10 पीस लेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सेम रेट पे मिल जाएगा? सेम रेट पे मिल जाएगा, 5 पीस लो, 10 पीस लो, जितना भी लो, जितना भी जितना आपको मन करता है उतना लो। लो जी 2200 रुपये का P4 में, कंडीशन देखो आप, इस तरह की कंडीशन में आपको इतने सस्ते फोन यही मिल सकते हैं। मेन चीज बता क्या दोस्तों, आपको जब तक 2 पैसे का प्रॉफिट नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, तो इसलिए आपको ये दिखा दिया P2P में आप अच्छी तरह डील कर। भाई अगर ऑनलाइन लेना चाहते तो उसके लिए कैसा है? ऑनलाइन के लिए मैंने आपको बताया प्रीपेड डिलीवरी है, कोरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा, कहीं भी मंगा लो, वीडियो कॉल पे चेक करो, अपना माल मंगा लो, आप हमारा अपने घर में, कोई दिक्कत टेंशन की जरूरत नहीं, बिल्कुल 100% की और विद इंश्योरेंस जाएगा माल। ये लो जी विद इंश्योरेंस माल भेजते हैं, हमारी जिम्मेदारी है माल जब तक आप तक ना पहुंचे। क्या बात है, मतलब सबसे बड़ी टेंशन खत्म कर दी। एक बार सेवा का मौका दो रवि भाई, आपके जो वो है ना क्लाइंट्स सारे खुश हो जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया करके। जितने मेरे भाई लोग अपना प्यार देते, एक बार सेवा का मौका दो, एक दो दो पांच पांच 10-10 पीस की भी अगर लगा के देखो, जैसा माल आता है उस हिसाब से फिर आगे की बिलिंग जो है करवाते रहो भैया से, जुड़ते रहो। अच्छा भैया एड्रेस कंफर्म करा दो भैया, अपना एड्रेस ऐसा है मेट्रो पर जैसे ही आप पहुंचो किसी से ही पूछ लो, होटल अपरा इंटरनेशनल, होटल अपरा इंटरनेशनल बिल्कुल उसके पास में सरस्वती मार्ग पे है जी। फोन नंबर आपके पास स्क्रीन पे चल रहा होगा, उस नंबर पे फोन करो, लोकेशन मंगाओ, फट आ जाओ। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल डाल दूंगा भैया कि मैं, और ऑफिस का क्लोजिंग ओपनिंग का टाइमिंग 10 से 6, मंडे छुट्टी रहती है, फुल छुट्टी रहती है मंडे की, मंडे को ऑफ रहता है, मंडे को विजिटिंग ना करें। बाकी व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, जिस भाई को माल लेना है भैया रिप्लाई कर देंगे, अपना विजिटिंग कार्ड डालो और अपना माल मंगाओ, माल मंगाओ, सीट आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप एक बार मैसेज छोड़ दीजिए, ओके भैया, थैंक यू सो मच भैया।